आपने कौन सा एग्जाम दिया? देखिए मैंने भी नेट का एग्जाम दिया फिलोसफी के सब्जेक्ट में, और जैसा कि आपको पता ही है आज कल रात को 8 बजे बताया गया है कि वो एग्जाम कैंसिल कर दिया है। ये मजाक चल रहा है हमारे साथ में या क्या? क्या मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है? 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवा रहे हैं, परसों UPSC का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या है ये? हम यहाँ पर जो धूप में खड़े होके एडवाइजरी जारी करी हुई है वेदर डिपार्टमेंट ने कि घर पे बैठिए, स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आए हैं, ये इसी के कमरे से अपने बाहर आके स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं। ऐसे बनाइएगा आप न्यू इंडिया? आप पेपर लीक करवा के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी का, कोई केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जवाबदेही नहीं है, स्टूडेंट को बोल दिया हाँ हमसे गलती हो गई, अब अगले महीने फिर से आ जाइए पेपर देने के लिए। ये किस तरीके का सिस्टम है ये? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम तो तंग आ चुके हैं, हम बहुत दुख से यहाँ आए हैं, लेकिन दुख के साथ हमारे अंदर बहुत गुस्सा भी है, जो आप देख रहे होंगे सुबह से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल गुस्सा हमें भी है कि अगर बच्चों को, सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी संस्थाओं पर जनता का विश्वास ना हो, शक और शुबहा की गुंजाइश हो, तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। अगर बच्चों को एग्ज़ाम देने से पहले ये लगने लगे कि पता नहीं ये एग्ज़ाम फेयर होगा कि नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं, इसका रिजल्ट सही तरीके से आएगा कि नहीं, तो एक बहुत आप कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली से ही हूँ और 18 तारीख को नेट पेपर में शामिल हुआ था। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा हिंदी लिटरेचर था सर सब्जेक्ट। अच्छा, हमारे देखने में, पता नहीं हो सकता गलत भी मैं हूँ, UGC नेट की परीक्षा इसके पहले कब रद्द हुई थी? इसके पहले सर 18 में भी पेपर का मुद्दा उठा था, जब रद्द हुई थी? नहीं हुई, रद्द नहीं हुआ था, लेकिन 18 में भी पेपर लीक का मुद्दा था, पर इस बार भी 18 तारीख से एक दिन पहले 17 तारीख में 1000 से 1200 रुपये में टेलीग्राम में या दूसरे थ्रू मैसेज आ रहे थे, और ऐसा सोर्स भी मेरे पास है जो कि 17 तारीख को पेपर टेलीग्राम चैनल पर वायरल हुआ, जबकि सरकार के पास अगर कोई भी सोर्स था कि पेपर लीक है तो सरकार 17 तारीख को भी पेपर लीक कैंसिल करा सकती थी, जो को 18-19 तारीख में हुआ है। अगर सोर्स सरकार के पास पहले से मौजूद है तो 17 तारीख में पेपर होने से ही पहले पेपर को रद्द किया जा सकता, जो 19 तारीख को पेपर कराने के बाद हुआ। हम लोगों का सेंटर 25 किलोमीटर दूर फेंका गया था, यहाँ से धूप में सुबह से लेकर 12 बजे 1 बजे तक सेंटर में पेपर हुआ, और थर्ड फ्लोर में सेंटर गर्मी में दिया पेपर, और जैसे ही घर तक पहुँचे आंसर सी की भी नहीं आ पाई, मिलाया जैसे तैसे, और शाम में ही न्यूज मिल जाती है कि पेपर रद्द हो गया है। ऐसे में आप सरकार क्या जवाबदेही या क्या पारदर्शिता तय करेगी कि हम लोगों का जो अगला पेपर होगा वो पारदर्शी तरीके से ही होगा, इस प्रकार लीक नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि 23 लाख नीट के स्टूडेंट, 9 लाख नेट के स्टूडेंट, 32 लाख लड़कों का तो मामला ऐसे ही पिछले 15 दिन में अधर में लटक गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नीट ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये जो रिजल्ट आया है उसमें जो काउंसलिंग हो रही है, नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर पाए हैं और जिनको काउंसलिंग, वो भी इस मुतमईन नहीं है कि उनका क्या होगा। जिन्हें नहीं मिला है वो तो बेचैनी है। जो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको देखने के बाद कोई भी आदमी एक झटके में कहेगा कि इस परीक्षा में कुछ ना कुछ धांधली हुई है। 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा खिड़की खोली गई जबकि लास्ट डेट खत्म हो गई थी, और 520 से लेकर 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है। मैं कई बार कार्यक्रम में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी 720 पूरा नंबर होता है, 620 से 720 में जो छात्रों की संख्या पिछले साल थी वो 13,000 थी, इस बार जो थी वो 58,000 थी, 520 से 620 की संख्या पिछले बार जो थी वो 90,000 थी, वो इस बार 1,00,000 या कुछ थोड़े से ज़्यादा। तो एक तरफ तो 100 नंबर में 10% का इजाफा हुआ, दूसरी तरफ 100 नंबर में 450% का इजाफा हुआ। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, आप